बिहार में पिछले 5 दिनों से पागल शब्द की कई तरह से चर्चा हुई। बागेश्वर धाम वाले बाबा ने बिहार में अपने आसपास उमड़ी भीड़ को देखकर एक बार बिहार के पागलों बोला और फिर ऐसा कई बार अलग अलग तरीके से बोलते सुनाई दिखाई दिए। कथावाचक के दौरान बाबा ने कहा, कैसे हो बिहार के पागलों, अगर हमें पता रहता कि इतने पागल बिहार में हैं तो हम पहले ही चले आते। अब बुधवार को बिहार में हनुमंत कथा के अंतिम शाम में उन्होंने जाते जाते पागल शब्द की परिभाषा भी बताई। यह परिभाषा उन्होंने इसलिए भी बताई क्योंकि उनके आने के पहले एयरपोर्ट पर उन्हें रोकने का ऐलान करने वाले तेज प्रताप यादव ने इसे बिहारियों के साथ भद्दा मजाक बताया था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बुधवार को पटना के नौबतपुर में हनुमंत कथा के समापन के समय बता दिया कि उन्होंने बिहारियों की श्रद्धा को देखकर पागल कहा था। परिभाषा भी बताई, जो प्रभु को पाकर उनमें गल जाए उसे ही कहते हैं पागल। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा के मुंबई वाले घर में चोरी हो गई थी। कहा जा रहा है कि अर्पिता के घर से उनके डायमंड इयररिंग्स चोरी हुए थे। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अर्पिता ने मुंबई के पुलिस स्टेशन में इयररिंग्स चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि घर से जो इयररिंग्स चोरी हुए हैं उनकी कीमत 5 लाख रुपए है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और उसी रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानकारी के मुताबिक अर्पिता के घर पर चोरी उनके घर में काम करने वाले एक नौकर ने ही की थी, जिसका नाम संदीप हेगड़े है। हाल ही में अनुष्का शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में अनुष्का बाइक पर बैठी हुई हैं, वो भी बिना हेलमेट के। बाइक अनुष्का के बॉडीगार्ड सोनू से एक चला रहे हैं, उन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ है। इस वीडियो को कुछ लोगों ने मुंबई पुलिस को टैग कर दिया। अब मुंबई पुलिस ने उनको 10,500 रुपए के फाइन का पर्चा पहुंचा दिया है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।